नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टैबलेट के बारे में, दैट इज लेनेवो टैब प्लस, जो कि लगभग 20 तारीख से पहले आप लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। बिकॉज 20-21 तारीख को जो है आपकी प्राइम डे सेल है। एंड एक और चीज मैं आपको एडिशनली बता दूं, इस बार आईसीआईसीआई और एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर है। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। काफी सारे टैबलेट्स इंक्लूडिंग आईपैड 10th जनरेशन, उसपे भी आपको अच्छा खासा ऑफर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि एक एंड्रॉयड में एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला टैबलेट आप लेना चाहें, तो डेफिनेटली दोस्तों लेनोवो टैब प्लस एक आपकी अच्छी चॉइस हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेके। देखिए, इंटरनेशनली इसकी प्राइसिंग जो है अराउंड 280 यूरोस, लगभग भारत में आते आते 25,000 तक आपको जो है देखने को मिलेगी। लेकिन मैं लेनेवो के टैबलेट्स को पहले से देख रहा हूँ, स्टार्टिंग प्राइस इनके जो होते हैं लॉन्च प्राइस, वो काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बाद में डिस्काउंट आपको मिलते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट मिलते हैं। नो डाउट आप लोग देखेंगे कि लेनेवो के जो टैबलेट्स पुराने हो जाते हैं, उनके दाम कितने धड़ल्ले से गिर जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये लोग काफी ज्यादा जो है दाम रखते हैं। तो फिर भी इंडिया में आई एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड समवेयर 26 और 27,000। और अगर कुछ आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इस टैबलेट का मेन यूएसपी क्या है, इसका सेलिंग पॉइंट? देखिए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए में बहुत सारे जो है टैबलेट्स बेच रहे हैं। अगर 25-26 हज़ार रुपए में टैबलेट बेचना चाहते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को यूनिक ऑफरिंग देनी पड़ेगी। तो इस टैबलेट का दोस्तों सबसे बड़ा यूनिक ऑफरिंग है, दैट इज द स्पीकर्स, ठीक है। तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं और 4 जो है आपको ट्वीकर्स मिलते हैं। तो कुल मिला के 26 वॉट का जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट देखने को मिल जाता है। हाई रेस ऑडियो यहाँ पे आपको सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा। अगर इनके वेबसाइट की बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीकर्स अच्छे हैं, बाकी जो दूसरे हार्डवेयर है ना, इन्होंने काफी सही दिए। और एक और चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे ये पता लगी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे रहेगा, और ये लोग जो है दोस्तों एंड्रॉइड 15 और 16 का गारंटीड अपग्रेड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और 4 साल का जो है आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। 8,600 mAh की बैटरी आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नाउ अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली थोड़ा जो है बल्की वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस स्पीकर। देखिए, स्पीकर लगाते वक्त थोड़ा जो है वैक्यूम स्पेस भी छोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से टैबलेट जो है थोड़ा आपको कहीं ना कहीं मोटा देखने को मिलेगा। 45 वॉट का जो है आपको चार्जर यहाँ पे बॉक्स में इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें, तो मीडियाटेक हेलियोस G99 इन्होंने प्रोसेसर यूज किया हुआ है। एंड मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि अब काफी उससे अच्छे बजट में प्रोसेसर्स आ गए हैं, तो इनको डेफिनेटली दूसरे प्रोसेसर्स पे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो मे बी इन लोगों के पास में इन्वेंट्री पड़ी हो, तो इसे खाली कर रहे हो, सो दैट माइट बी द केस। नाउ डिस्प्ले की बात कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीकर्स अच्छे पकड़ा दिए और डिस्प्ले कबाड़ पकड़ा दी, ऐसा नहीं है। आप लोग मान सकते हैं कि एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले इन लोगों ने डाली है। 400 nits की पैनल ब्राइटनेस है, विच इज वेरी गुड। 90 Hz का रिफ्रेश रेट है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मैं है ना एक बात बता देता हूँ, 120 और 60 में से मैं 90 यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहूंगा, स्पेशली फॉर द बैटरी कंसर्न इन द टैबलेट। 11.5 इंच की जो है आपको 2K पैनल देखने को मिल जाती है। TUV का जो है आप लोगों को सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। 8/256 का जो है कंफिग्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, विच आई थिंक शुड बी सफिशियंट फॉर मोस्ट ऑफ दी पीपल। एंड ये एक सही स्टेप है इंडिया में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो, कि कोई इन लोगों को जो है ये लोगों को बजट ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि भाई पहले आप 64 GB लो, 128 लो, सीधा इन लोगों ने 8/256 रखा हुआ है। एंड पता है, इससे एक चीज बहुत अच्छी होती है, इससे जो प्राइसिंग होती है ना, शुरुआत में ही एग्रेसिव होने के काफी ज्यादा आपको चांसेस देखने को मिल जाते हैं। नाउ स्पीकर की बात चल रही है, तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं खुद एक टैबलेट ओनर हूँ पिछले 5 साल से, तो एक जरूरी चीज बन जाती है स्पीकर। एंड गेस व्हाट, कि देखिए स्पीकर टैबलेट के अभी भी इस लेवल तक है कि आपको ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये आ जाता है ना, तो आपका मीडिया कंजप्शन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा आराम से। आपको कभी भी ईयरफोन लगाने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। और क्योंकि 26 वॉट के स्पीकर हैं, तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे भी जा रहे हैं, तो भी आप जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वॉइस यहाँ पर सुन सकते हैं। आपका क्या मानना है इस टैबलेट के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।